Good morning, students. Today we are going to discuss a topic, inertia. तो जैसा कि आपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में हो तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हम ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं उसी की वजह से ही ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को, शेप को, साइज को और स्पीड को चेंज करता है। लेकिन जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो पहले वो अपोज करता है। अपोज किस चीज़ का करता है? अपोज करेगा या तो वो अपने स्टेट को चेंज होने का अपोज करेगा, अपने डायरेक्शन को चेंज करने का अपोज करेगा। तो अपोज क्यों करेगा? उस अपोजिशन को यूं कहते हैं इनर्शिया। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट अपोजेस एनी चेंज इन इट्स स्टेट। मीन्स अगर वो रेस्ट में रहेगा, हम उसको मोशन में लाना चाहते हैं तो भी वो अपोज करेगा, और अगर वो मोशन में हम उसको रेस्ट में लाना चाहते हैं तो भी वो अपोज करेगा। तो इस अपोजिशन की जो प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसी को हम क्या कहेंगे? उसका इनर्शिया। इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच एन ऑब्जेक्ट रेसिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट। तो ऑब्जेक्ट की जो स्टेट में कोई चेंज अगर हम करना चाहेंगे तो उसका क्या करेगा? अपोज करेगा। तो इस लिहाज पर हमारे थ्री टाइप्स के इनर्शिया होते हैं। थ्री टाइप्स के कौन से कौन से? इनर्शिया ऑफ रेस्ट मीन्स ऑब्जेक्ट wants to remain in rest। इसका हम एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, जैसे कि एक कार है, उसमें कोई पैसेंजर बैठा है। इन दिस कार को एक साथ, अभी वो रेस्ट में, पहले वो इनिशियली रेस्ट में, हम उसको एक साथ स्टार्ट करते हैं, मूव कर देते हैं, तो ऑब्जेक्ट क्या फील करेगा? इसको पैसेंजर क्या फील करेगा? पैसेंजर फील करेगा कि वो पीछे की तरफ उस पर झटका लगा। क्यों? कार आगे की तरफ गई, पैसेंजर को पीछे की तरफ झटका लगा। क्यों लगा? कि वो अपनी ही पोजिशन पे रहना चाहता है, वो अपनी पोजिशन पे रह करके ही मीन्स अपने रेस्ट में जो चेंज करना चाहते हैं, हम कार को मूव करना चाहते हैं, उसका अपोज करेगा। ठीक है, इसको और भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक ट्री है, ट्री उसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। ठीक है, मैंने इसकी ब्रांच को सेलेक्ट किया जिसपे बहुत सारे पत्ते इस तरीके से लगे। मैंने इस ब्रांच को इस तरीके से एक साथ मूव किया तो क्या होगा? ये जो लीफ है वो कहाँ रह जाएगा? वो रेस्ट में रह जाएगा। रेस्ट में रह जाएगा मीन्स मैं इसको जब मूव करूंगा तो ये जो ट्री है वो तो अलग हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा? ये लीफ है वो क्या हो जाएगा? वो अपनी ही जगह पर रहेगा। इसकी वजह से इनर्शिया ऑफ रेस्ट के वजह से तो इस ब्रांच से क्या होगा? डिटैच हो जाएगा, टूट जाएगा, अलग हो जाएगा, और वो पत्ता फिर टूट करके नीचे गिर जाएगा ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। इसी तरीके से हम कई बार क्या करते हैं, पेड़ों से फ्रूट्स तोड़ते हैं, उसको हिला करके। हम हिला के क्यों तोड़ते हैं? उसको हम क्यों शेक करते हैं? इतना जो जर्क है क्यों प्रोवाइड करते हैं? उसको झटका प्रोवाइड क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे हम इसको ब्रांच को यहां से हिलाएंगे इस तरीके से, तो ये जो रेस्ट, ये जो लीफ है, इसका रेस्ट में अच्छा है। मान लो कि इसका फ्रूट है, कोई फ्रूट मैंने इसको एक साथ किधर कर दिया, उस तरफ मूव कर दिया, तो यहां पर ये कहां रह जाएगा? ये रेस्ट में रह जाएगा, और ये जो ब्रांच है वो इस तरीके से डायरेक्ट में आ जाएगी। ये क्या होगा? यहां से डिटैच हो जाएगा और वो ग्राउंड पे गिर जाएगा। Lots of examples are given in your book of inertia of rest. So you can go through the book and can ask your problems. Next we are having inertia of motion. Inertia of motion. ये आपने बहुत practical example observe किया होगा। ये वाला क्या होता है कि if you are traveling in a bus, आप एक bus में travel कर रहे होते हैं और driver एक साथ brake लगा देता है, तो आपको क्या लगता है? जैसे कि आप आगे की तरफ
अपने आप ही, मीन्स विदाउट योर एक्शन, आपके बिना किसी एक्टिविटी के आप आगे की तरफ, ऐसा लगेगा जैसे आपको किसी ने फोर्स लगाया, धक्का लगाया, जबकि ऐसा नहीं होता। ये किसकी वजह से होता है कि आप बस के साथ साथ आप भी मोशन में थे, तो आपकी बॉडी क्या करेगी, मोशन से रेस्ट में आने का अपोज करेगी। तो आप कुछ टाइम के लिए क्या रहोगे, उस बस के मोशन के साथ साथ मूव करना चाहोगे, और ड्राइवर ने मान लीजिए इमरजेंसी ब्रेक लगाया, तो आप कुछ डिस्टेंस तक क्या करते हैं, आगे की तरफ अपने आप ही चले जाते हैं ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। सो दैट इज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, कि ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा। नेक्स्ट है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कैसे होगा कि आप मान लीजिए किसी पर्टिकुलर व्हीकल में आप ट्रेवल कर रहे हैं, और वो ट्रेवल एक साथ मीन्स वो पहले से दस मिनट जा रहा है, ठीक है, और उसने क्या कि टर्न लिया। आपने फील किया होगा कि जब कोई बस जा रही होती है और हम उसमें बैठे होते हैं, और बस ड्राइवर एक साथ सात टर्न लेते हैं, स्विंग मान लीजिए टर्न आता है, तो टर्न आता है तो जिस डायरेक्शन में टर्न आता है तो उसके जो पैसेंजर होंगे वो उससे अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे टर्न लिया तो हम किस तरीके से मूव कर रहे हैं, तो हम मीन्स उस बस के साथ साथ क्या होता है, हम मुड़ तो रहे लेकिन हमारी बॉडी पर एक ऐसा फोर्स लगता है जो हमारे डायरेक्शन को चेंज करने का अपोज करता है, मीन्स पैसेंजर वहां पर सीधे जाना चाहेगा, जबकि बस के साथ साथ वो क्या होता है थोड़ा नेक्स्ट मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन बस ट्रेवल लेती है उसे अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, वो थोड़ा सा बेंड होता है। वो किसकी वजह से होता है कि ऑब्जेक्ट उसी सेम डायरेक्शन में रहना चाहता है जबकि बस वहां से क्या हो चुकी है, टर्न हो चुकी है। दैट इज बिकॉज ऑफ मीन्स बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सो दीज आर द ऑल थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया विच वी हैव स्टडीड, एंड दिस दैट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ चैप्टर फर्स्ट, मीन्स न्यूटन्स लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आप कह सकते हो। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट लॉ है हमारा उसको लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है, उसका एक स्पेशल नेम है लॉ ऑफ इनर्शिया। सो यू कैन से द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नॉन एज इनर्शियल लॉ ऑफ मोशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।